अपने इन जो लेस सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जैसे होटल्स हैं, लॉजेज हैं, हॉस्टल्स हैं, ज़रूरत पड़े तो स्टेडियम्स को भी कैसे इस्तेमाल कर कर हम अपना फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें, उस गाइडलाइंस के तहत अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो क्रिटिकल केसेज होते हैं या जो सीरियस केसेज होते हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के बारे में भी अपना रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम कर रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है उसी के साथ ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी उसी से कमेंसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी प्रिपेयरनेस भी उसी हिसाब से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय में जैसे इससे पहले भी मैंने आपकी नॉलेज में लाया हूँ, इस समय में हमारी गाइडलाइंस के तहत जैसे कि जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसके तहत देशव्यापी हर जिले में कार्य हो रहा है, काफ़ी अधिकारीगण उस एक्शन प्लान के तहत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कोविड 19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। आप लोगों की नॉलेज के लिए जैसे मैं लाना चाहूँगा कि पुणे सेंट्रल रीजन और कोंडवा रीजन में डोर टू डोर सर्वे करते हुए 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो टीम्स बनाई गई हैं वो पर्संस विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ उनको भी चेक कर रहे हैं, साथ ही कोई अगर ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो उस टाइप के लोगों का भी सर्वे करके उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से पत्तनमथिट्टा केरला में जो एक जिला है वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सर्वेलेंस साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक मुख्य अंश वहाँ पर जो फोकस किया गया है जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस समय में जब हम ये सारा काम कर रहे हैं कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वॉर रूम बनाया गया और साथ ही कैसे क्लस्टर्स और जो हाउस होल्ड्स अंडर क्वारंटाइन है उसके मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और साथ ही जो हमारे लोग क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में उनको रिक्वायर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट ये है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में लगी हुई हैं। हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है। खासकर इन लोकेलिटीज़ में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मार्केट्स में, बाजारों में, बैंकों में जिला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मैपिंग, मार्किंग और कई जगह पर बैरिकेडिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि संभावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें, होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि वे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि एसेंशियल गुड्स उपलब्ध रहें। राज्य सरकारें कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स, कैपिंग ऑफ प्राइसेस, डीलर्स के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन इत्यादि। जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एक कंपोनेंट था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। 3.5 करोड़ पंजीकृत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड यानी कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करें। इस कोष में लगभग 31,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने इस निर्देश का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है।
31 स्टेट्स और यूटीज ने 1000 से लेकर 6000 रुपए तक के कैश बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लगभग 3000 करोड़ की राशि दी गई है। 29 लाख श्रमिकों को फूड रिलीफ भी दिया गया है। आशा है इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। धन्यवाद। ICMR की तरफ आज तक हमने 121,271 टेस्ट किए हैं। उनमें अगर कल का अगर आप देखें तो 13,345 टेस्ट हुए हैं। उसमें प्राइवेट लैब्स में 2,267 टेस्ट हुए हैं और अभी इस वक्त 139 लैब्स ICMR नेटवर्क में एक्टिव हो गई हैं और 65 प्राइवेट लैब्स को हमने परमिट किया है। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन, मिस्टर तुषार मेहता इन्फॉर्म्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट दो 15,000 टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड डेली दीज आर इनसफिशिएंट देयरफॉर प्राइवेट लैब्स वर रोप्ड इन ऑन मार्च 12th इज दैट द गवर्नमेंट लैब्स आर प्रूविंग टू बी इनसफिशिएंट प्लीज हम जो भी ये टेस्टिंग कर रहे हैं इसका एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही किस किस की सैंपलिंग करनी चाहिए वो सैंपल हम लिए जाते हैं। प्राइवेट लैब और गवर्नमेंट लैब इन दोनों के मिक्स के द्वारा हम ये चाहते हैं कि देश में एडिक्वेट ज्योग्राफिकल लेवल पर अवेलेबिलिटी हो और डेफिनेटली प्राइवेट लैब को रोप इन करने से ये संख्या बढ़ने से और उनके कलेक्शन सेंटर्स के द्वारा हम इसको ओवरऑल बेटर मैनेज कर सकते हैं। उसके तहत ही हमने उनका सपोर्ट लेके हम उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्नेहा फ्रॉम न्यूज 18। Yeah, from CNN News 18. My question is to Mr. Lav Agarwal. In many hospitals in Delhi and elsewhere also in Mumbai and Jaslok Hospital and other hospitals, we've seen patients who have come to the hospital for something else are in fact coming in touch with medical staff, doctors, nurses at the hospital, and they're infecting them inadvertently with COVID-19. Later on, there is a realization that that patient was actually a carrier of COVID-19 but had come to the hospital for something else altogether. What is the government going to do to check such cases? Ma'am, as I have been mentioning, and I'm sure all of us are aware, we are actually dealing with a very huge challenge. And this, the infectious disease which we are dealing with, it is not only putting India into a very tough situation. Across the world, we are facing this challenge right now. And this is a major area of concern for us because in this particular infectious disease, not only people who are symptomatic, at times, though the percentage is less, but it has been noted that even asymptomatic person as carriers may also pass on infection. This challenge has to be basically focused in a manner where all of us ensure that the required social distancing measures are followed so that we don't end up passing infection. So we are looking for a major behavioral approach, behavioral change within our approaches of how we manage. Linked with that is the issue also that even at the hospital level, as I have always been explaining, the focus on infection prevention and control. You had been asking me about this question, whether in certain cases some healthcare professionals have also got infected. And I had been telling that yes, minuscule portion has also been getting infected. Our major focus is to ensure that all such required infection prevention and control practices are followed in all the hospital. And that is why, if you would kindly see, in almost all my briefing, I keep highlighting and emphasizing our focus on the training at the field level. Next online question. The ministry has maintained there is adequate availability of HCQ. Please specify the number as on today and share state-wise availability. Sir, let me assure you that the whole situation is being monitored at the highest level. In terms of the requirement of the country, linking it with the fact that how much is the production as well as the API availability in the country, it is ensured that not only today, even in future, there will not be any lack of HCQ as and when needed. Let me also again reiterate and highlight, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा
कि हमने SCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन के जो प्रिस्क्रिप्शन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए रखाई इनवाइट की है, उसको बताया है आप लोगों को, और इसी के लिए साथ में ये भी कहा है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाएगा। तो काइंडली ये एश्योर करें कि ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके लिए हमने बताया है वही इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड लेट मी अगेन रीट्रेट एंड अगेन हाईलाइट कि SCQ की सफिशियंट अवेलेबिलिटी आज भी है और इट विल बी एंश्योर्ड दैट इट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन वी नीड इट, जितनी क्वांटिटी में चाहिए आज भी कंट्री में सफिशियंट और आने वाले टाइम के लिए भी सफिशियंट है। लास्ट क्वेश्चन न्यूज नेशन, मिस्टर मथुरेंद्र कुमार। सर मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से ये है कि लगभग 2/3 जो लॉकडाउन का निर्धारित था वो समाप्त हो चुका है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, टारगेट क्या था, हम कितना अचीव कर पाए हैं, और ये देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मांग भी हो रही है कई स्टेट्स के जरिए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, तो उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या मत है। इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से है कि महाराष्ट्र में डेथ काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही हैं, उसकी क्या वजहें हैं, अगर ICMR भी इस पर फोकस करना चाहे तो कर सकता है। और एक आखिरी सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है, मीटिंग 3-in-1 होम मिनिस्ट्री से है कि मरकज के मामले जो हैं खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग जो कोरोना है उसकी वस्तु स्थिति क्या है इस वक्त। सर जैसे कि आपने लॉकडाउन के बारे में कहा है तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी कई बार आप लोगों के नॉलेज में ला चुका हूँ कि हमारा जो वर्किंग है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इज ट्विन अप्रोच। वन इज फोकसिंग ऑन लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, सेकेंड इज फोकसिंग ऑन कंटेनमेंट मेजर्स। एंड उसी के तहत चाहे आप डे टू डे केसेस की फ्लक्चुएशन देखें, बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल राइज इन द केसेज इन दिस कंट्री वी हैव एक्चुअली बीन एबल टू सी कि सम इम्पैक्ट इज देयर। बट लेट मी अगेन हाईलाइट दैट सेम पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो हमारे लिए हर दिन एक बैटल है। हम आज अगर अच्छी सिचुएशन में काम कर रहे हैं और अगर कल हम कहीं एक लेवल पर फेल होते हैं तो वी कम बैक टू द ओल्ड सिचुएशन वंस अगेन। इसीलिए लॉकडाउन के जो रिमेनिंग पीरियड में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दो चीज़ों पर पैरेलली फोकस करने को कहा है। एक तो टू कंटिन्यू देयर फोकस ऑन सर्वेलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दूसरा इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स। और जैसे मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ अब हम मेजर फोकस टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स, केयर सेंटर्स बना के कैसे हम फील्ड लेवल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें उस पर काम कर रहे हैं। आपने पूछा महाराष्ट्र में डेथ्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, मैंने एक बार एक सवाल के जवाब में आपको बताया था ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है या कहाँ कम हो रहा है। अभी करंटली अगर आपने देखा तो डेथ्स का नंबर इतना छोटा है कि उसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहे हैं ऐसे कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये चांस इवेंट रह सकती है। उसको उसी नज़रिए से देखा जाए कि ये ज़्यादा डेथ्स दिख रहे हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंटली हाई ऐसे नहीं बोल सकते। सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, इट इज़ डेफिनेटली एन एरिया ऑफ कंसर्न कि अगर देश में कहीं पर भी एक सिंगल डेथ भी रिपोर्ट होती है, और जैसे मैं इससे पहले आप लोगों की नॉलेज में ला चुका हूँ हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स या तो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या एज एज ए रिस्क फैक्टर है। तो जो हम डेथ रिपोर्ट होती हैं तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बिकम्स ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि हम उस केस को और बेटर मैनेज कर पाएँ। और इसी से लिंक फैक्ट है कि हमें कम्युनिटी से हर तरह का सपोर्ट मिले कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके केसेस को डिटेक्ट कर पाएँ। जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक मेगा एफर्ट द्वारा उसने 25,500 से ज़्यादा स्थानीय तबलीग जमात कार्यकर्ताओं को और उनसे संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनको क्वारंटाइन कर दिया था। इसके अलावा हरियाणा में जो 5 गांव थे जहां विदेशी तबलीग जमात टीम्स रुकी थी उनको भी कंटेन करके सील करके कंटेन कर दिया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।